छोटे दो साहिबजादे और माँ गुजरी जी दादी माँ सरसा नदी तो अपने सारे परिवार तो विछड़ गए। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता जी अपने दो पुत्रां नूं लैके चमकौर की गढ़ी में चले गए और दादी माँ अपने दो पोतरियां नूं लैके एक होर रस्ते से चल पे और चलते चलते गंगू इन्हां दे नाल है अपने घर ले जाके लालच विच आके सूबा सरहंद दे हवाले कर दिते। ठंडे बुरज विच कैद होए और फिर साहिबजादियां नूं कचहरी विच पेश कीता गया ताकि इन्हां दा धर्म छडाया जाए ताकि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी जिन्हां नूं ये मुगल दुश्मन फड़ नहीं सके मार नहीं सके हरा नहीं सके ते जे किते उहदे पुत्तर उसका धर्म छड़ जाए इहदे नालों वड्डी पिता की हार कोई नहीं हो सकती। यह सोच के सूबा सरहंद साहिबजादिआं नूं मनाउंदा है कि जिवें किवें भी तुसीं मनदे हो सिक्खी छड़दे हो इस्लाम कबूल कर लो पर साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे जाए ते दादी मामा गुजरी जी दे सिखाए पाले हुए मजबूत संस्कार सिक्खी नाल बेहद प्यार और कौम दे इस वेले जिम्मेवार क्योंकि सूबा सरहंद आखदा तुहाडा पिता और तुहाडे भरा चमकौर दी गली विच मारे गए। दादी मां आखदी है मेरे पुत्रियो जे दी गल सच होई तां पूरी सिख कौम दी गुरु नानक पातशाह जी दे मिशन दी जिम्मेवारी तुहाडे ते है। देखो किते डोल्यो ना घबरा ना जायो डरियो ना मौत तो नहीं डरदे असीं साडा खानदान मौत तो नहीं डरदा। साहिबजादे सूबा सरहंद दी किसी भी गल विच नहीं आए ना लालच विच आए ना समझाउण विच आए और सूबा सरहंद हार गया हार के कहिंदा फिर मरन लई तैयार हो जाओ। साहिबजादे कहिंदे सी मरन लई हमेशा तैयार रहिंदे आ पहले मरण कबूल जीवन की छड आस असी उस फलसफे नाल जीउंदे आ सानू मौत दा डरावा ना दे असी सिखी नहीं छड्डदे असी अपना धर्म नहीं बदलदे जिस धर्म विच सानू परमात्मा ने पैदा कीता असी नहीं छड्डदे इस वाहिगुरु दी मर्जी नाल असी इसे आए हाँ तेरी मर्जी नाल असी धर्म नहीं बदलना। तो साहिबजादे अडोल रहे अडिग रहे और इन्हां नूं इस सजा सुनाई गई कि तुहानूं जीउंदे जी नीहां विच चिण देंगे। वह वेला आ गया जदों सूबा सरहंद दे सिपाहियां ने बुरज दे बाहरों आवाज मारी सवेरे सवेरे माता तेरे पोतरियां नूं लैण आए हैं इन्हां नूं समझा दे कि जे इन्हां ने सूबे की गल ना मनी तो यह पोतियां की जोड़ी तैनूं नहीं लभणी। दादी मां जी आखदे ने मेरे पोतरे बड़े समझदार ने तिनको क्या उपदेशी है जिन गुरु नानक देव जिन्हों का गुरु नानक गुरु है ना जिहड़े गुरु नानक पातशाह जी नूं समझदे उन्हां नूं किसे उपदेश की जरूरत नहीं। मेरे पोतरे बड़े स्याणे ने बड़े समझदार ने ये तुहानूं नहीं पूरी दुनिया नूं समझाउणगे जीवन की है मौत की है मरना की हुंदा अणख की है सिक्खी की है इस सिक्खी लई असीं की कर सकदे आ तुसीं वी देखोगे रहिंदी दुनिया तक मेरे पोतरियां दीआं कहानियां लोक गाउणगे। साहिबजादे चले अपनी दादी मां नूं आखरी फतेह बुलाउंदे मां चंगा तेरे तों वी विछड़न दा समां आ गया अज तीन दिन पहलां भरावां तों विछड़े हां पिता तो विछड़े हैं तेरा साथ सी अज तेरे तो भी विछड़ चले हैं ना उड़ीकी दादीए असी मुड़ने ही आना भुल जावे हुण पोतियां नूं लाड लड़ाउणा ना उड़ीकी दादीए असी मुड़ने ही ना उड़ीकी ना उड़ीकी दादीए असी मुड़ नहीं आउणा भुल जावी हुण पोते
ਜਾਵੀ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾਵੀ ਹੁਣ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣਾ ਚੱਲ ਮੌਤ ਵਿਆਹਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ ਦੇ ਚੱਲ ਮੌਤ ਵਿਆਹਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।